men are foreign. Yes. Poet James has written very beautiful poem here. So, आप सबसे पहले ये समझ लें कि जो यहाँ पर word है वो plural form में है. Otherwise, यहाँ पर is रहता, so it is men. So, the poem is very much beautiful, written by James. And इस poem में poet message दे रहे हैं कि कैसे हम दूसरी countries के जो पीपल होते हैं उनके जैसे ही हैं, हम सभी सेम हैं और कैसे हम इस धरती पर रह रहे हैं, सब कुछ एक जैसा ही है. तो ये इस पोएम हमें समझाना चाहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा बैटल्स में, वॉर्स में जो सैनिक मारे जाते हैं उनके जैसे ही हमारे सैनिक मारे जाते हैं, तो ये सब कुछ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पोएम में. सो आई होप दिस पोएम इज वेरी मच इजी, क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स काफी इजी लैंग्वेज में हैं. सो स्टार्ट द पोएम हियर. वन मोर थिंग, आपको बार बार एक वर्ड आएगा रिमेंबर. सो यहाँ पर पोएट हर बार आपको याद दिला रहा है कि याद रहे ऐसा होता है, याद रहे वैसा होता है. सो स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा हियर, एंड द फर्स्ट स्टेंजा इज रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन बीनिथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रेस लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, ध्यान रहे कोई भी पीपल या आदमी स्ट्रेंज मतलब कि अजनबी नहीं है, और नो कंट्री फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. आपको पता होगा इंडिया में कोई बाहर से आता है किसी कंट्री से तो फॉरेनर कहलाता है, वैसे हम भी अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो उनके लिए हम भी फॉरेनर होते हैं. सो वो बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, फॉरेन नहीं है, क्योंकि बीनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सारी यूनिफॉर्म्स के अंदर, बीनिथ मीन्स के अंदर, यूनिफॉर्म्स मतलब वर्दी जो कि सैनिक वेयर करते हैं, अ सिंगल बॉडी ब्रिस लाइक आर्स. सो उस यूनिफॉर्म के अंदर वही बॉडी है जैसे कि हमारे सैनिकों की यूनिफॉर्म के अंदर उनकी बॉडी है. सो दोनों बॉडीज क्या है, सेम है, कोई भी अलग नहीं है. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जैसे ब्रदर्स मतलब उस कंट्री के लोग जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कंट्री के ब्रदर्स जो होते हैं मतलब कि लोग होते हैं जैसे उस धरती पर चल रहे हैं, वैसे ही कि वैसी धरती हमारे पास है, मतलब कि सारी धरती यहां से वहां तक एक ही है. इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी धरती के अंदर हम क्या होंगे, एक दिन दफन हो जाएंगे, जो कि आपने देखा होगा ग्रेव होती है, तो ग्रेव यार्ड में एक दिन हम इसी धरती के नीचे दफन हो जाएंगे. आई होप द फर्स्ट स्टेंजा इज क्लियर. यहाँ पर बताया गया कि यूनिफॉर्म्स एक है, जो बॉडी है वो भी एक है, धरती है वो भी एक है, और उसी धरती में एक दिन क्या हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे, तो सब कुछ एक है. नाउ द सेकंड स्टेंजा, द टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट Their hands are ours, and in their lines we read a labor no different from our own. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि they means वही people of other country, they too aware of sun and air and water. जैसे कि हम sunlight लेते हैं या जैसा हमारे यहाँ सूरज होता है वैसे वहाँ पर भी होता है, हवा भी सेम है और water भी एक जैसा ही है. ऐसा नहीं कि वहाँ का पानी अलग रंग का होता है, यहाँ का पानी अलग रंग का है. So everywhere the water is same. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और जैसे कि फेड मतलब टू ईट, तो वो क्या होते हैं, वो भी वही खाना खाते हैं जैसे कि हम यहाँ पर खाते हैं, वही हार्वेस्ट होता है, यहाँ भी हार्वेस्ट होता है. और बाई वोर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, जैसे वॉर वाले टाइम में जैसे हम यहाँ पर भूखे रहते, स्टार मतलब सफरिंग फ्रॉम हंगर. सो जैसे हम यहाँ पर भूखे रहते हैं वैसे वो भी क्या होते हैं, वॉर के टाइम पर भूखे रहते हैं सर्दियों में. देयर हैंड्स आर आर्स, जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनके भी हाथ हैं, मतलब कि हम सब खुद से ही ये कर रहे हैं. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो रहा है कि आर्म्स मतलब जैसे हम